मिर्ची की ऐसी भाजियां जो शायद ही आपने कभी आज से पहले तैयार करी हो। ये मिर्ची की भाजियां बनानी बेहद ही ज़्यादा आसान है और आज जिस तरीके से हम मिर्ची की भाजियों को बना के तैयार कर रहे हैं, ये मात्र 5 से 10 मिनट में ही भाजियां बहुत ही अच्छे से स्वादिष्ट बनके तैयार हो जाती हैं और एक बार बनाने के बाद कोई भी इन्हें खा ले उन्हें ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए आइए देखते हैं ये खास तरीके से बनने वाली मिर्ची की भाजियाँ कैसे तैयार की जाएंगी और साथ ही में इसके साथ एक खास तरीके की धनिया की चटनी भी आज हम तैयार करने वाले हैं। तो मिर्ची की भाजी बनाने के लिए लगभग हमने 250 ग्राम के आसपास बड़ी हरी मिर्चियां ले ली है और इसमें फटाफट से आपको बीज में से चीरा लगा लेना है और अगर अंदर ज़्यादा बीज हैं तो उन बीजों को निकाल लीजिए और अगर कम है तो मिर्ची को ऐसे के ऐसे ही छोड़ दीजिए। एक एक करके अपनी सारी की सारी हरी मिर्चियों को आपको ऐसे काट लेना है। तो चलिए हम इसमें सब में चीरा लगा के आपको दिखा देते हैं और आप भी अपनी हरी मिर्चियों को ऐसे ही चीरा लगा लेना। चीरा लगाने का मेन मकसद है कि इसमें अभी हम एक स्टफिंग करने वाले हैं जो इस हरी मिर्ची की भाजी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो देख सकते हैं सारी की सारी हरी मिर्ची में चीरा लग चुका है। तो अब इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। लगभग 3 उबले हुए आलू हमने ले रखे हैं। इन उबले हुए आलू में हम डालेंगे 1 कटा हुआ प्याज। हरा प्याज ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो काट के डाल सकते हैं, नहीं तो चलेगा बिना इसके भी। थोड़ी हरी मिर्ची डाल दीजिए, स्वाद अनुसार कुछ मसाले डाल दीजिए और धनिया डाल दीजिए। मसाले में दोस्तों हमने नमक डाल लेना है स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर डाल लेना है, थोड़ी सी हल्दी डलेगी, थोड़ी लाल मिर्ची और थोड़ी हमने किचन किंग मसाला रखा हुआ है। साथ ही मैं दोस्तों इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा और मिक्स होने के बाद इसमें थोड़ी सी मैं अदरक डालूंगा। अदरक से इसका बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो आप हाथ की मदद से इस पूरे को चला लीजिए, आपकी एकदम परफेक्ट स्टफिंग इसकी तैयार हो जाएगी। यही स्टफिंग अब हम मिर्ची में भरने वाले हैं जहाँ हमने चीरा डाला है। ये थोड़ी अदरक कद्दूकस करके डाली है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हमारी जो स्टफिंग है वो लगभग बनके तैयार हो गई है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि आलू कहीं भी मोटा मोटा ना रह जाए, क्योंकि उसको नहीं तो फिर मिर्ची में भरने में थोड़ी सी तकलीफ होगी। तो चलिए अब ले लेते हैं कुछ हरी मिर्चियाँ और उसमें फटाफट इसको स्टफ कर लेते हैं। एक एक करके आलू सारे के सारे इन हरी मिर्चियों में डाल लीजिए और ऊपर से एकदम इसे स्मूथ कर लीजिए। जितना आलू अच्छे से भर जाएगा उतनी ही हरी मिर्ची की भाजी स्वादिष्ट लगती है। ये देखिए, तो दोस्तों आपको सारी की सारी ऐसे हरी मिर्ची भर के रख लेनी है। आप देख सकते हैं सारी की सारी मिर्चियाँ हमने भर के रख ली हैं। अब आपको क्या करना है, एक बेसन का घोल तैयार करना होगा। बेसन ले लिया हमने 1 कटोरी, इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन और बहुत थोड़ा सा मीठा या फिर आप कह सकते हैं बेकिंग सोडा और साथ ही में नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च। दैट्स इट, ज़्यादा मसाले नहीं डालना। इसमें पानी डाल के इसको मिक्स कर लीजिए और इसमें पानी ज़्यादा मत डालिएगा, इसका एकदम गाढ़ा पेस्ट बना के तैयार किएगा। हमने विस्कर की मदद ले ली है ताकि पेस्ट बनाते वक्त बिल्कुल भी लम्स ना रहें और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं पेस्ट कितना गाढ़ा है, हल्का सा पानी और डालना चाहें तो डाल सकते हैं लेकिन इसको एकदम गाढ़ा ही रखिएगा, बिल्कुल पतला मत होने दीजिएगा। तो जो आज मिर्ची की भाजी बन रही है वो इसी बेसन में तली जाएंगी। तो ये परफेक्ट एकदम मिश्रण बनके तैयार है। अब क्या करते हैं दोस्तों, इस मिश्रण को एक गिलास में पलट लेते हैं, उसी में हमारी मिर्ची पूरी की पूरी डिप हो जाएगी इजीली। और ऐसे करने से क्या है, एकदम परफेक्ट डिप होती है, हर तरफ से पूरा बराबर मसाला लगता है और ये बेस्ट हो जाता है। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया था आज हम धनिया की चटनी भी बनाने वाले हैं खास तरीके से। तो थोड़ा सा धनिया लिया, थोड़ी दही ली, थोड़ी अदरक ली, थोड़ी सी मूंगफलियाँ डाल रहे हैं, तो हरी मिर्ची डाल रहे हैं और हल्का सा इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। चलिए इसके बाद इसको फटाफट से घुमा लेते हैं। ये आपकी बढ़िया हरी चटनी धनिए की बनके तैयार है। इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं 1 कटोरी में, क्योंकि इसके साथ आज हम पूरी और जो हम भाजी खाने वाले हैं मिर्ची के, इसी के साथ खाने वाले हैं। तो हमने तेल रख दिया है गर्म होने के लिए और गिलास में जो बेसन डाला था वो भी थोड़ा सेट हो गया होगा। अब हमें इसमें हरी मिर्ची को डिप करना है और एक एक करके सारी की सारी हरी मिर्चियाँ तल लेनी है। हरी मिर्ची भाजी हमारी झटपट तैयार हो जाएगी। देखिए एकदम परफेक्ट अच्छे से, ये देखिए। तो चलिए एक एक करके हरी मिर्चियाँ डिप करते रहते हैं और सारी की सारी भाजियाँ ऐसे ही निकाल लेते हैं। एकदम परफेक्टली हरी मिर्ची की भाजी बस बनके तैयार हो जाएगी। देखा, बिल्कुल भी समय नहीं लगा। अगर आपके पास उबले हुए आलू पड़े हुए थे तो ये तो और भी जल्दी पक्के तैयार हो जाएगा, बनके तैयार हो जाएगा, रेसिपी कंप्लीट हो जाएगी। एक एक करके सारे के सारे आप ऐसे ही तल लीजिए हरी मिर्चियाँ और बस हरी मिर्ची के एकदम स्वादिष्ट भाजी खाए रोटी के साथ। रोटी जहाँ 2 खाने का मन होगा वहाँ 4 भी खा जाएंगे।
चलिए दोस्तों कुछ हरी मिर्चियाँ हमारी बची हुई हैं, उन सबको एक साथ फटाफट से तल लेते हैं। देर क्यों करनी भाई, जब चीज़ इतनी स्वादिष्ट है तो फटाफट से अच्छी सी चीज़ खा के। कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा, ट्राई ज़रूर किएगा बना के, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से निकाल लेते हैं सारी की सारी ये हरी मिर्ची की भजियाँ। आप देख लीजिए कैसी लग रही है और उसी हरी चटनी के साथ हम इसे खा लेंगे। मैं चलता हूँ दोस्तों, वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो। कैसी लगी है हरी मिर्ची की भाजियाँ मुझे ज़रूर बताइएगा। डिलीशियस फूड को कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं फिर से लौटूंगा कुछ नया और ज़बरदस्त लेके।